अबागढ़ ब्लॉक क्षेत्र के कुसवा पंचायत में युवक ने प्रधान व सेक्रेटरी पर लगाए जातिवाद के आरोप। आपको बता दें, अबागढ़ ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत कुसवा के निवासी सुनील कुमार दिवाकर पुत्र रघुवीर सिंह के द्वारा विकासखंड अधिकारी अबागढ़ मोहम्मद जाकिर को शिकायती पत्र दिया है और बताया है कि ग्राम प्रधान अमन यादव और ग्राम पंचायत अधिकारी सुरेंद्र सिंह यादव दोनों एक ही जाति के हैं, जिसके चलते उनके द्वारा अपने सजातीय लोगों को आवास मुहैया कराए जा रहे हैं, जबकि अन्य जातियों के पात्र लोगों को आवास योजना से वंचित किया जा रहा है। क्षेत्रीय विधायक संजीव दिवाकर के द्वारा विकास खंड अधिकारी अबागढ़ को शिकायतकर्ता के भाई की पत्नी के दिव्यांग होने व पात्र होने के चलते अपना लेटर पैड भी लिख कर दिया, लेकिन प्रधान व सेक्रेटरी की मिली भगत होने के कारण क्षेत्रीय विधायक संजीव दिवाकर के द्वारा प्रार्थी के लिए सिफारिश में लिखे गए लेटर पैड को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसके चलते आरोप लगाते हुए बताया कि ग्राम कुशवा में ही यादव जाति से ही एक शख्स है, जिसके पास पहले से जमीन जायदाद भी है और पक्का मकान है। इसके बावजूद भी प्रधान व सेक्रेटरी के द्वारा मिली भगत होने के चलते अपने सजाती को आवास उपलब्ध करा दिया, जबकि शिकायतकर्ता का भाई टीन शेड में रह रहा है और उसकी पत्नी दिव्यांग है। इसके बावजूद भी उसे योजना का लाभ नहीं दिया गया। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पात्र गरीबों को एवं दिव्यांगों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन जनपद एटा की अबागढ़ ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कुशवा में अभी भी अनुसूचित जाति के गरीब लोगों को आवास योजना से वंचित किया गया है और आरोप लगाए हैं कि ग्राम पंचायत सेक्रेटरी और प्रधान दोनों ही एक ही जाति के हैं, जिसके चलते वो अपने सजातीय लोगों को खोजकर उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने में जुटे हैं, वहीं अन्य जातियों के पात्र लोगों को योजनाओं के लाभ से वंचित किया जा रहा है। राघवेंद्र अगरिया की रिपोर्ट। एक आवास आया था मेरा जी, इन्होंने प्रधान और सेक्रेटरी एक जाति के जी, इन्होंने मेरा आवास कटवा के अपनी जाति के लोग को दे दिया है, जिसमें जमीन है और मकान पक्का है जी, और एक मेरा भाई है, उसकी पत्नी विकलांग है, उसको आवास नहीं दिया, वो टीन में रह रही है जी। कहाँ के रहने वाले हो? उस बात है। अच्छा, इस संबंध में आपने किसी को कोई प्रार्थना पत्र भी दिया है? अभी वीडियो साहब को दिया मैंने, इससे पहले भी कोई दिया? दो महीना पहले भी दिया था, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, क्या बोल दिया जाता है? ये कह देते हैं कि इसमें कुछ नहीं होगा, आप शिकायत करते रहो। सेक्रेटरी साहब भी कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, प्रधान धमकियाँ देता है कि मैं पैसे देता हूँ अधिकारियों को, कुछ नहीं होगा मेरा। कौन है प्रधान? यादव है, अमन यादव। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? ये चाहता हूँ कि जो सही है वो कार्रवाई की जाए इनके खिलाफ़।